बामेती पटना के मार्गदर्शन में आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की शिवहर इकाई द्वारा किए जा रहे प्रयास का ही परिणाम है कि आज शिवहर जिले के लगभग सभी प्रखंडों में अत्यधिक आय देने वाली धान की नई प्रभेद काले धान की श्री विधि से जैविक खेती की ओर सैकड़ों किसान अग्रसर हुए हैं। और इसी का उदाहरण है जिले के मीनापुर बलहा सहित इसके आसपास के ग्राम से संचालित कृषक हित समूह और इनके सदस्य। आत्मा शिवहर की काले धान के श्री विधि से जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजनाओं का लाभ ले यहां कई किसान खुद की भूमि पर काले धान की श्री विधि से जैविक खेती कर अपने कृषि कार्य को कम खर्चीला बना लिया है। और ऐसे ही कृषकों में से एक है नारायणपुर ग्राम के राजू मिश्रा। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं राजू मिश्रा का क्या कहना है। इस बार फिर ब्लैक राइस का जो है ये बिछरा है मेरा, और इसकी खेती जो है ऐसे कि कराई जा रही है। समय समय से एटीएम और बीटीएम दोनों आकर के बीज कैसे गिरवाना है गिरवाने के समय में भी थे। फिर इसका जो है इसमें रोग की कुछ लक्षण दिखाई दिया तो फिर इसका उपचारित करने का जो है व्यवस्था बताया। इस तरह से अगली बार जो है ऐसे कि ब्लैक राइस की खेती कराई जाएगी और समय समय से आत्मा के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है वो जो है कि बीटीएम एटीएम लोग आकर के हमें जानकारी देते हैं और इससे जो है ऐसे कि लाभ जो है ऐसे कि हमको अच्छा मिला है। जिले में यह बदलाव यूं ही नहीं आया, इसके लिए एक ओर जहां सबसे पहले आत्मा शिवहर द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप कृषकों के कृषक हित समूह बना इन्हें परिभ्रमण प्रशिक्षण और प्रत्यक्षण सहित काले धान की श्री विधि से जैविक खेती के सभी प्रमुख 6 चरणों पर किसान पाठशाला का आयोजन कर काले धान की श्री विधि से जैविक खेती की आधुनिक और नवीन तकनीकों से परिचित कराने के प्रयास सहित काले धान के बीज की कमी को दूर कर न सिर्फ चिन्हित किसानों को निशुल्क बीज उपलब्ध कराए बल्कि विभागीय योजना के अनुरूप काले धान की खेती से होने वाले लाभ से कृषकों को परिचित करा इसे कृषकों के बीच प्रचलित करने के प्रयास किए।